गाइस दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले मेन इंपॉर्टेंट है, जिनका भी सेशन 20 से 23 है इंग्लिश ऑनर्स के लिए और जो बीए पार्ट 2 में पढ़ते हैं। आज मैं कॉर्स के ऊपर ऐसे लिखूंगी और नोट्स भी बताऊंगी कि नोट्स में आप कैसे लिख सकते हैं कॉर्स के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्स इन इंग्लिश एंड हाउ विल यू राइट इन योर एग्जाम टुडे आई विल टेल यू। सो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। कॉरस, सबसे पहले जानते हैं कि कॉरस का डिफिनेशन आपको कैसे लिखना है। द लिटररी डिफिनेशन ऑफ कॉरस इज अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स हु आइदर पार्टिसिपेट इन द एक्शन ऑफ अ प्ले और मोर ऑफन समराइज एंड प्रोवाइड कमेंट्री और रिसेंट एक्शन यूजिंग म्यूजिक डांस एंड पोएट्री। इट मीन्स कि कॉरस का डिफिनेशन अगर सिंपल वे में कहा जाए तो वो एक ऐसा परफॉर्मर्स होता है जो कि परफॉर्म करता है, या तो वो किसी भी प्ले में वो एक्शन के रूप में आता है, मतलब पार्टिसिपेट वो किसी भी तौर पे करता है, या तो फिर अदर थिंग्स भी हो सकता है, जिस भी चीज़ में म्यूज़िक हो, डांस हो और पोएट्री हो, इन सारे का यूज़ करके जो भी एक्शन होता है, जो भी परफॉर्म होता है, उसे ही हम लोग कॉरस का नाम देते हैं। कॉरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल परफॉर्मर्स इन अ ड्रामेटिक और म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो द सॉन्ग और रिफ्रेन दैट दे सिंग। कॉरस एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स को कहते हैं, मतलब सिंगरों का ग्रुप, गायकों का ग्रुप, जो कि एक प्रिंसिपल भी होता है, जो कि ऑर्डर भी देता है कि कौन सा परफॉर्म करेगा कौन सा नहीं करेगा। किसी भी ड्रामा में परफॉर्मर्स का काम करने वाले को हम लोग कॉरस का नाम देते हैं। वैसा परफॉर्म होना चाहिए जिसमें म्यूजिकल हो, मतलब डांस हो, म्यूजिक हो, या फिर पोएट्री कोई सेशन से लिया गया हो। द वर्ड मीन्स कॉरस। कॉरस के बारे में बात हो रही है। द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक कॉरस। देखिए इसमें स्पेलिंग चेंज है, CHORUS और वो था CHORUS। मीनिंग अ कंपनी ऑफ डांसर और सिंगर्स। इसका मतलब होता है डांसर और सिंगर्स के कंपनी को ही हम लोग कॉरस का नाम देते हैं। और अ ग्रुप ऑफ परफॉर्म पर्सन सिंगिंग इन यूनिसॉन। और फिर या तो एक ऐसे इंसान जो कि गाना गा सकता है, जो कि सिंगिंग कर सकता है, डांसिंग कर सकता है म्यूजिक के साथ। अब पैराग्राफ चेंज करके, हमेशा याद रखिए 5 लाइन लिखे फिर पैराग्राफ चेंज होगा, फिर पैराग्राफ चेंज होगा, फिर इससे क्या होगा ना, पढ़ने वाले को और राइटिंग देखने में खूबसूरत लगता है। इसी वजह से इसके बाद जो आप लिखेंगे, इन एंशियंट ग्रीस अ कॉरस वॉज अ ग्रुप ऑफ मेल सिंगर्स एंड डांसर हु परफॉर्मेंसेस ऑफ एक्टर्स कमेंट्री ऑन द डीड ऑफ द कैरेक्टर एंड इंटरप्रीटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स विद इन द प्ले फॉर द ऑडियंस। पहले प्राचीन समय में क्या होता था ना, कॉरस जो होता था वो मेल सिंगर्स ही करते थे, मतलब जो भी गायक होते थे वो मेल से होते थे, पुरुष से होते थे, लेडीज से नहीं। और वो उनका जो परफॉर्मेंस था वो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, पहले देखा जाता था कि कौन सबसे अच्छा डांसर है, कौन सबसे अच्छा सिंगर है। परफॉर्मेंस ऑडियंस के सामने लाने से पहले ही वो प्ले को पहले ऑन करते थे, उसको स्टार्ट करते थे, उसके बाद ही ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया जाता था। आफ्टर इट यू विल राइट अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स ऑडियंस मेंबर्स दैट इंटरैक्ट इनटू द प्लॉट ऑफ द प्ले। दे स्पीक इन कॉरस एंड वुड यूजली हैव अ ड्रम बीट और म्यूजिकल इंटरल्यूड टू एकम्पनी ट्रैम। या फिर आप कह सकते हैं कि वैसी चीज़ें जैसे कोई एक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसका पहले जांच प्रचार होता था कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि जब भी कोई इंसान प्ले करता है किसी भी चीज़ को, जैसे ड्रामा ही हो गया आपका, तो उसमें सबसे पहले देखना चाहिए कि बेस्ट होना चाहिए, सिंगिंग भी बेस्ट होना चाहिए, डांसिंग भी बेस्ट होना चाहिए, थीम भी बेस्ट होना चाहिए। तो सबको पहले प्ले करके देखा जाता था, पहले उन लोगों को ऑडियंस के सामने लाने से पहले उसे स्टार्ट करके देखा जाता था, या दिस वन इज परफेक्ट, दिस वन इज परफेक्ट। नेक्स्ट यू विल राइट द कॉरस इज देयर टू हेल्प द ऑडियंस कंसीडर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। या फिर आप कह सकते हैं कि कॉरस जो है वो हेल्प करता है क्या चीज़ में, कंसीडर करने में डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स को, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों का थीम अलग अलग होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप्स के अपने सोच रखते हैं, तो उन सारे को कलेक्ट करना कॉरस कहलाता है। दे ऑल्सो प्रे टू द गॉड्स, रिमेंबर दिस वॉज अ रिलीजियस फेस्टिवल। इनफैक्ट जैसे कि बहुत सारे लोग प्रे करते हैं गॉड से, कोई अल्लाह से प्रे करता है, कोई भगवान से प्रे करता है, तो सबके अलग अलग होते हैं,
तो ये जो हुआ इसको रिलीजियस फेस्टिवल का नाम दिया गया है। हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज़ होगा दे आर प्रे टू द गॉड्स, इसको हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल भी कह सकते हैं, मतलब इसमें वो शामिल होता है और कॉरस में भी शामिल होता है। बहुत ज़्यादा इजी है, आप ऑन वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नोट्स लिखिएगा तो पॉइंट्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। और फिर नेक्स्ट यू विल राइट द कॉरस प्रोवाइड्स अ रिव्यू फॉर द ऑडियंस, ऑफर्स प्रेयर्स फॉर द ग्रुप, द हेल्प्स द रीडर कंसीडर द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द कैरेक्टर एज अ सेम वे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें यही कहना है कि वो वैसे रिव्यू को प्रोवाइड करते हैं जो कि अदर अदर प्लेयर्स को प्ले करके देखने के बाद ही पता चलता है। अदर आपको रीडर्स भी कंसीडर्ड इसमें होते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का देखा जाता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को लिखते हैं तो उसके एग्जाम्पल को जरूर लिखा जाता है। तो लास्टली आप एग्जाम्पल देंगे डॉक्टर फोस्टर्स, क्रिस्टोफर मार्लोवे, रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर, हैंडी फाइव विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। मतलब ये सारे कॉरस से बिलोंग करते हैं, इसमें कॉरस के यूज़ किए गए हैं इसी वजह से। एग्जाम्पल एटलीस्ट मतलब कम से कम आपका 3 होना चाहिए, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। वहाँ जो आप लिखेंगे वन वन लाइन गैपिंग करके लिखेंगे यू विल गेट परफेक्ट मार्क्स। और ये वाले नोट्स मैंने सेल्फ से बनाए हैं तो आई होप कि आपको सारे समझ में आ गया कॉरस का मतलब इस समय। आप सेल्फ से भी नोट्स बना सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।